हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन एंड क्राफ्ट। और आज हम देखने वाले हैं करंजी बनाते समय यूज़ करे जाने वाले तीन तरह तरह टाइप के सारण या स्टफिंग। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने एक चम्मच घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा कप ताज़ा कसा हुआ नारियल डाल देंगे और इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम ताज़े नारियल की यानी गीले नारियल की हम स्टफिंग देखने वाले हैं। फिर इसमें हम 1/4 कप कसा हुआ गुड़ डालेंगे और साथ में ही इलायची पाउडर डालेंगे एक चम्मच, और इस मिश्रण को हम मीडियम हीट पे पकाएंगे। गुड़ जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डालने वाले हैं खोआ। जी हाँ, आज जो करंजी का ये मिश्रण हम पहला देखने वाले हैं ये खोआ का है। तो इसमें हम रूम टेम्परेचर का खोआ डालेंगे 1/4 कप, फिर इसे मिक्स करेंगे। खोआ का रूम टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगाएगा, तब तक गुड़ जल सकता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर का खोआ होना ज़रूरी है। फिर इसमें हम कसा हुआ या बारीक स्लाइस करे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। मिश्रण ड्राई होने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा पहला सारण तैयार है। एक पैन में हमने एक कप कसा हुआ सूखा नारियल लिया है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा सुनहरा गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे खसखस 2 बड़े चम्मच और इसे वापस रोस्ट करेंगे। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। मीडियम हीट पे ही हम इसे रोस्ट करते जाएंगे। ध्यान में रखिए ये मिश्रण जले नहीं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ये मिश्रण एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा फिर इसमें स्वाद के अनुसार हम पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पाउडर शुगर डाली है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा दूसरा सूखा स्टफिंग भी तैयार है करंजी बनाने के लिए। अब हम तीसरा स्टफिंग देखते हैं। इसमें हम एक बड़ा चम्मच खसखस लेंगे। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और साइड में निकाल के रख देंगे। फिर सेम पैन में हमने एक चम्मच घी लिया है। घी गरम होने के बाद इसमें हम फ्रेश ताज़ा कसा हुआ नारियल लेंगे 1 कप और इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे। ये जब रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालने वाले हैं खसखस जिसे हमने भून के रखा था, और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं कसा हुआ गुड़। यहाँ पे हमने आधा कप कसा हुआ गुड़ लिया है, या आप गुड़ की क्वांटिटी स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये मिश्रण पकता जाएगा वैसे वैसे गुड़ मेल्ट होगा। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम हीट पे पकने देंगे। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा वैसे वैसे वो इस तरह से बन जाएगा। इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि सारण बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे साइड में निकाल के रख देते हैं, और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो सारण बिल्कुल तैयार है। तो ये रहे 3 तरह के अलग अलग सारण जो आप करंजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी करंजी बनाते समय ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय।